नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSC भेली हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि CSC को एक और नया सरकारी काम मिल गया है। दोस्तों, आपको पता होगा CSC निरंतर यह तत्पर रहता है कि उसे नए नए विभागों से समझौता हो और वह VLE को अच्छा से अच्छा सुविधा प्रदान कर सके, ताकि VLE अच्छे से अच्छे इनकम भी कर सके और ग्रामीण लोगों को मदद कर सके और ग्रामीण लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके CSC के माध्यम से। इसी कड़ी में CSC ने एक और नया सर्विस लॉन्च किया है, एक और नए संस्था के साथ MOU साइन किया है, जिसमें VLE को एक नया सरकारी काम मिलने जा रहा है। इससे VLE अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSC के पल पल की खबरें मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस विभाग से CSC का एक और MOU साइन हुआ है और VLE को एक और नया सरकारी काम मिलने जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप आ जाएंगे CSE का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है e-governance का, CSE e-governance, इस पर आएंगे तो आपको एक पोस्ट मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा, यह CSE e-governance के द्वारा पोस्ट किया गया है, यह ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है MOU साइन विथ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट PCDAP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिलीवरिंग्स ऑफ डिफेंस पेंशन सर्विस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। यानी आप समझ चुके होंगे कि अब CSE के माध्यम से जितने डिफेंस पेंशन धारी होंगे, उन सबको सुविधा दिया जाएगा CSE के माध्यम से। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिया गया है MOU साइन विथ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशन PCDAP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिलीवरिंग्स ऑफ डिफेंस पेंशन सर्विस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। यानी अब आप कॉमन सर्विस सेंटर से डिफेंस पेंशन सर्विस की सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी सुविधा आप दे सकते हैं, यहाँ दिया गया है। सबसे पहला है पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, आप पेंशन का डाटा वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा है रजिस्टरिंग सर्विस रिक्वेस्ट, आप सर्विस रिक्वेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट क्वेरीज, और कोई क्वेरीज होगा पेंशनधारी का तो क्वेरीज कर सकते हैं आप। और चौथा, लोडिंग ऑफ ग्रेवेंस, यानी कोई शिकायत होगा तो उसे भी आप लोड कर सकते हैं और उसका समाधान बहुत जल्द होगा। इसके बाद है एनुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू डिजिटल और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको पता होगा कि जितने पेंशनधारी हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तो आप उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी CSE के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ, अगर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में कोई असुविधा होगी, तो आप मैनुअली भी उसका बना सकते हैं। अगला है रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑन डिमाइज ऑफ पेंशनर्स। यानी इतनी सारी सुविधाएँ आप प्रदान कर सकते हैं अब CSE पोर्टल के माध्यम से। तो VLE को एक और नया सर्विस मिल चुका है, जिसमें वे काम करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं और लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही इसके बारे में कैसे काम करना है, क्या करना है, डिटेल्स आता है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।